आईटीआई टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट आईटीआई एवं प्राइवेट आईटीआई में क्या अंतर है, आईटीआई का कोर्स कहां से करना बेहतर होगा। तो इस संदर्भ में बहुत सारे विद्यार्थी जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं या लेते हैं, उनके दिमाग में कई प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई के बारे में जानना चाहते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट आईटीआई की चर्चा करता हूं। गवर्नमेंट आईटीआई क्या होता है? गवर्नमेंट आईटीआई भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त करके, यानी कि जो आईटीआई का मान्यता देने वाला इंस्टीट्यूशन है वो डीजीईटी है, यानी कि भारत सरकार की संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, जिसके माध्यम से आईटीआई का अफिलिएशन होता है। आप देखे होंगे भारत सरकार लिखा रहेगा, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि डीजीईटी उसको अप्रूव्ड की है, उसका अफिलिएशन दिया है। दूसरी तरफ मैं प्राइवेट आईटीआई की बात करता हूं तो प्राइवेट आईटीआई का अफिलिएशन भी डीजीईटी भारत सरकार की जो संस्था है उसके द्वारा ही प्राइवेट आईटीआई को मान्यता दी जाती है, यानी कि सेम बोर्ड है एनसीवीटी के द्वारा गवर्नमेंट आईटीआई को ही मानता है, प्राइवेट आईटीआई को ही मानता है। यानी कि जो सर्टिफिकेशन होगा, जो आपका लास्ट में सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब मैं दूसरे संदर्भ में अगर देखूं तो गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट आईटीआई का ट्रेनिंग सिस्टम प्राइवेट आईटीआई से थोड़ा अधिक है, अच्छा है, बेहतर है। उसमें आपको क्लासेस प्रॉपरली अरेंज होंगे, आपके जो कोर्स कंटेंट है वो सिलेबस के अनुसार आपको डिलीवर किया जाएगा। लेकिन उसके संदर्भ में प्राइवेट आईटीआई भी कई तरह के आईटीआई प्राइवेट में हैं, जो कुछ काफी अच्छे हैं, कुछ साधारण हैं या कुछ लो ग्रेड के भी हैं। तो रैंकिंग भी हो रही है, रैंकिंग देख करके आप प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी आईटीआई में एडमिशन लेने से पूर्व उसका फीडबैक ले लीजिए कि कैसे वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, आपका प्रॉपरली ट्रेनिंग एज पर सिलेबस के अनुसार होगा कि नहीं होगा। तीसरे संदर्भ की बात करें तो गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर एनसीवीटी एवं एससीवीटी यानी कि स्टेट काउंसिल भी होती है। तो आईटीआई में एडमिशन लेने के पूर्व आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट आईटीआई में जहां पे आप एडमिशन ले रहे हो वहां पे आपका कोर्स का अफिलिएशन एनसीवीटी के द्वारा है या एससीवीटी के द्वारा है, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग जो भारत सरकार की संस्था है उसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, या राज्य व्यवसायिक परीक्षा परिषद यानी कि स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा आपका सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर आपका सर्टिफिकेशन एससीवीटी के द्वारा होता है तो उस सर्टिफिकेट से आप रेलवे वगैरह या प्राइवेट सेक्टर में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कहीं कहीं पे डिफेंस वगैरह में एससीवीटी के सर्टिफिकेशन की मान्यता नहीं मिलती है, दिक्कत होता है, परेशानी होती है, लेकिन प्राइवेट आईटीआई में एससीवीटी से किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं होता है। इस मैटर पे प्राइवेट आईटीआई भारत सरकार का जो संस्था है एनसीवीटी है उसी का सर्टिफिकेशन आपको दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो फी कंसर्न है, फी प्राइवेट आईटीआई में आपको पेड करना पड़ता है, सेल्फ से देना पड़ता है, और गवर्नमेंट आईटीआई में आपका फी मिनिमम होता है, बहुत ही निग्लिजेबल होता है, यानी कि ट्रेनिंग का जो खर्चा होता है
वो सरकार बियर करती है, जबकि प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेने पर ट्रेनिंग का जो खर्च होता है आपको सेल्फ ही बियर करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि प्राइवेट आईटीआई और सरकारी आईटीआई के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस था वो मुख्य मुख्य अंतर आपको मैंने बता दिया। एक और क्वेरी रहती है कि जॉब कहाँ से करने पे संभावना अधिक है, तो आपकी संभावना आप कहीं से भी आईटीआई करेंगे, लेकिन अगर आपको सिलेबस की जानकारी है, कोर्स कंटेंट आपके दिमाग में है, आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, तो वो मैटर नहीं करता है कि आप सरकारी आईटीआई से किए हुए हैं या प्राइवेट आईटीआई से किए हुए हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे नीडी पर्सन जो इस तरह के क्वेश्चंस में उलझे हुए हैं उन तक पहुंचाएं और इसे भरपूर शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।